के ताजा मौसम समाचारों के अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में आज बदलने वाला है मौसम का मिजाज, देश के किन किन राज्यों में आज बारिश की है संभावना, तो देश के किन किन राज्यों में अब और बढ़ेगा पारा, पूरी जानकारी देंगे आपको इस अपडेट में। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की, तो ओडिशा और आंध्र प्रदेश में दस्तक नहीं देगा चक्रवात, उत्तर मध्य भारत में प्रचंड गर्मी की हुई है वापसी। लोगों और प्रशासन को बड़ी राहत देते हुए मौसम विभाग ने शनिवार को घोषणा की है कि बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान ओडिशा या फिर आंध्र प्रदेश में दस्तक नहीं देगा बल्कि तट के समांतर ये आगे बढ़ेगा। वही भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा है कि साइक्लोन उत्तर और उत्तरी पूर्व की ओर ये मुड़ेगा और उत्तर आंध्र और इसके अलावा यहाँ पर ओडिशा तट के पास बंगाल की खाड़ी की ओर ये बढ़ेगा। वही अच्छी तरह से ये चिन्हित निम्न दबाव का क्षेत्र एक डिप्रेशन में बदल गया है और अब ये उत्तर पश्चिम दिशा में तट की ओर यहाँ पर बढ़ रहा है। ये 10 मई शाम तक यहाँ पर उसी दिशा में आगे बढ़ना जारी रखेगा और इसके बाद समुद्र तट के समांतर उत्तर से उत्तर पूर्व की ओर ये बढ़ेगा। वही IMD के विशेष बुलेटिन के अनुसार 10 मई को शाम को ये तटीय ओडिशा के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम तूफान के कारण तटीय जो ओडिशा राज्य है उसके स्थानों पर कुछ हल्के इलाकों में यहाँ पर हल्की बारिश यहाँ पर हो सकती है, कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वही गजपति और इसके अलावा यहाँ पर गंजम और पूरी में एक दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है जो कि 7 से 11 सेंटीमीटर है, यानी 7 से 11 सेंटीमीटर तक बारिश होने की संभावना है। वह अगले दिन खुर्दा और पूरी जगतपुर सिंह में भी यहाँ पर एक दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है, कटक में भी हो सकती है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के कुछ हिस्सों में भी यहाँ पर बारिश का पूर्वानुमान है। वह सरपतगंज मौसम विभाग केंद्र के मुताबिक 9 से 13 मई तक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हीटवेव की स्थिति जारी रहेगी, यानी गर्मी यहाँ पर तेज रहेगी, लू वगैरह चलती रहेगी। वही इस दौरान अधिकतम तापमान 43 या फिर 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। अगले 6 दिनों में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 24 से 28 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक मौसम विभाग की ओर से चेतावनी यहाँ पर मौसम विभाग की ओर से दी गई है कि पिछले कुछ दिनों से राहत के बाद आने वाले दिनों में महाराष्ट्र, विदर्भ, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, दिल्ली के कुछ स्थानों पर लू की संभावना है। इससे पहले PM मोदी ने भी एक उच्चस्तरीय बैठक में हीटवेव प्रबंधन और मानसून की तैयारियों से संबंधित स्थिति की समीक्षा की थी और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों तथा साथ ही शहर और जिला दोनों स्तर पर हीटवेव जो हीट है उसका एक्शन प्लान बनाने की सलाह यहाँ पर दी गई है। वही IMD ने आज और कल 9 तक यहाँ पर असम, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में गरज चमक के साथ बारिश की भविष्यवाणी की है। वही 10 मई तक पश्चिम, उत्तर और उत्तरी पूर्वी बिहार के तकरीबन सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। वही मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज कुछ इलाकों में ये बारिश जो है वो यहाँ पर हो सकती है। वही मौसम विभाग के मुताबिक आंधी पानी कुछ इलाकों में तेज होगा, कुछ इलाकों में कम भी होगा। वहीं राजस्थान के कई इलाकों में फिर गर्मी जोर पकड़ने का अनुमान व्यक्त किया मौसम विभाग की ओर से किया गया है। वह लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। जोधपुर और बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के जिलों में तापमान 44 डिग्री से पार पहुंचने की संभावना है, यानी ये जो पारा है वो 44 डिग्री से भी ज़्यादा हो सकता है। ये अपडेट यहाँ पर मौसम विभाग की ओर से दिया गया है, यानी आने वाले दिनों में जो तापमान है उसमें बढ़ोतरी का सिलसिला जारी रहेगा जिससे लोगों को गर्मी से यहाँ पर दो चार होना पड़ेगा। बात करते हैं अब राज्य भर मौसम विभाग के समाचारों की, सबसे पहले बात राजस्थान की ही कर लेते हैं। तो राजस्थान में 10 मई तक 14 जिलों में हीटवेव की चेतावनी जारी हुई है। जोधपुर और जैसलमेर, बीकानेर और चूरू में पारा 43 डिग्री हुआ है पार। राजस्थान में जो पश्चिमी इलाके हैं दो दिन रात के बाद एक बार फिर यहाँ पर हीटवेव की चेतावनी जारी की गई है। वही मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के 14 जिलों में ये हीटवेव चलेगी। इधर बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर में जो पारा है वो 43 डिग्री से ऊपर चला गया है। वही पश्चिमी राजस्थान के जयपुर और इसके अलावा यहाँ पर इसके अलावा अजमेर, नागौर, कोट और इसके अलावा टोंक, भीलवाड़ा जिले में यहाँ पर सूरज की तपन और गर्म हवा से लोग परेशान हैं। इसे कोटा और बारा में भी हल्के बादल छाने के बाद धूल भरी आंधी चली, हालांकि दिन होते होते यहाँ पर मौसम साफ हो गया और तेज गर्मी पड़ना इन इलाकों में शुरू हो गई। वही मौसम विभाग ने यहाँ पर 14 शहरों के लिए येलो अलर्ट राजस्थान के अंदर जारी किया जिसमें बांसवाड़ा है, करौली, धौलपुर, छोटेमादापुर, टोंक, डूंगरपुर, झुंझुनू और इसके अलावा पश्चिमी बेल्ट के बीकानेर और बाड़मेर, चूरू और जैसलमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और जोधपुर में भी अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में कई जगहों पर जो तापमान है वो 46 डिग्री के आसपास पहुंचने की संभावना जारी की गई, यानी जो तापमान है वो 46 डिग्री के आसपास रहने की संभावना व्यक्त यहाँ पर की गई है। अब बात करते हैं यूपी के मौसम अपडेट की, तो यूपी में भी बदल रहा है लगातार मौसम। उत्तर प्रदेश के अंदर भी यहाँ पर कई इलाकों में आज फिर यहाँ पर मौसम में बदलाव देखने को संभावना यहाँ पर मिल रही है। दरअसल
यूपी के अंदर जो लू की स्थिति है वो यहाँ पर अब चालू, लू की स्थिति यहाँ पर जारी रहने की संभावना। दरअसल दिल्ली से गाजियाबाद और नोएडा और कई इलाकों में बुधवार से यहाँ पर मौसम खुशनुमा बना हुआ। हर दिन यहाँ पर हो रही बादलबाजी से प्रदेश में कुछ जगहों पर तापमान दर्ज यहाँ पर गिरावट में हुआ, यानी तापमान में गिरावट हुई है। वही शनिवार के लिए मौसम विभाग ने यहाँ पर कई इलाकों में अलर्ट जारी किया था और कई इलाकों में बादल छाए भी रहते हुए आसपास के इलाकों में, यूपी गाजियाबाद के आसपास के इलाकों में बारिश की संभावना भी यहाँ पर कल थी। वही कुछ इलाकों में छींटे वगैरह यहाँ पर पड़े हैं और जिसके कारण तापमान है वो 37 से 49 डिग्री के आसपास यहाँ पर दर्ज किया गया है। वही राजधानी और कई इलाकों में यहाँ पर फिलहाल मौसम करवट लेने के आसार, अगले 5 दिनों के दौरान मौसम में कोई बदलाव संभव है। वही भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के मुताबिक लखनऊ सहित यूपी के कई जिलों में आज मौसम साफ रहेगा। प्रयागराज के अलावा कुछ इलाकों में हल्के बादल देख सकते हैं। वही 9 और 10 मई को आगरा, बांदा, चित्रकूट और कानपुर में लू के आसार यहां पर जताए गए। इसके बाद 11 मई से फिर से मौसम में बदलाव यहां पर देखने को मिलेगा। ये अपडेट मौसम विभाग की ओर से दिया गया है। यानी कुल मिलाकर जो तापमान में बढ़ोतरी का सिलसिला है वो यहां पर एक बार फिर हावी यहां पर होने वाला है यूपी के मौसम पर। चलिए बात करते हैं अब MP के मौसम अपडेट की। तो मध्य प्रदेश में भी बदल रहा है मौसम का मिजाज, कई जिलों में छाने लगे हैं बादल, कई इलाकों में बढ़ेगा तापमान। MP के अंदर भी जो मौसम है वो लगातार करवट बदल रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश में भी यहाँ पर गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। दरअसल बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बनने की संभावना अब लगभग यहाँ पर साफ हो चुकी है। इसकी दिशा में यह अंदाजा लगाया जा सकता है 10 मई तक ये चक्रवाती तूफान दूर से यहाँ पर बन चुका होगा। वही धीरे धीरे उत्तर पश्चिम की ओर ये आगे बढ़ेगा। हालांकि 10 मई के बाद इससे मुड़ने की संभावना है, लेकिन इसकी गति इतनी तेज होगी कि देश के उत्तरी पश्चिमी इलाकों में इसका मुख्य जो खास प्रभाव है वो दिखाई देगा। वही MP पर इसका असर नहीं पड़ेगा, यहाँ मौसम शुष्क रहेगा, तापमान में लगातार बढ़ोतरी होगी। यह 10 और 11 मई को कई जिलों में लू की आशंका भी यहाँ पर बन सकती है। अपडेट मौसम विभाग की ओर से दिया गया है। वरिष्ठ मौसम विज्ञानी की ओर से बताया गया है कि दक्षिणी पश्चिमी जो दक्षिणी पूर्वी इलाके हैं मध्य प्रदेश के, उसमें हवा के ऊपरी भाग पर चक्रवात बना हुआ है। चक्रवात से लेकर यहाँ पर विदर्भ होते हुए तमिलनाडु पर एक लाइन भी यहाँ पर बनी हुई है। इन सभी वजह से वातावरण में कुछ नमी रहने के कारण बादल यहाँ पर छाए हुए हैं, लेकिन ऐसी स्थिति यहाँ पर आगे भी रहने की संभावना है। अनुमान है कि प्रदेश के विभिन्न शहरों में अब जो गर्मी है वो यहाँ पर MP के अंदर जो गर्मी का सिलसिला है वो बहुत तेज होने वाला है। ये मौसम विभाग की ओर से अपडेट दिया गया। यानी MP में आने वाले दिनों में तापमान जो है वो 40 डिग्री से तो ऊपर चल रहा है फिलहाल, लेकिन ये 42-43 और इससे भी यहाँ पर ज़्यादा होने की यहाँ पर संभावना जताई गई है। MP में जो तापमान है फिलहाल यहाँ पर सबसे ज़्यादा तापमान खंडवा में दर्ज किया गया है 43.1, खैरगोन में 43 और रायसेन के अंदर जो तापमान है वो 42 डिग्री से ज़्यादा यहाँ पर दर्ज किया गया, यानी 42 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया है।